तो यहाँ पे मैं गोकू के विलेज पे उतरता हूँ, यहाँ पे जल्दी से फटाफट से गन उठाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यूजी पड़ी थी, लेकिन भाई यहाँ पे मेरे हत्ते नहीं लगती, तो मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट गन ले लेता हूँ। शॉर्ट गन लेके सीधे रस मारने चला जाता हूँ, मेरे पे इतना टाइम भी नहीं लगा और अच्छी गन भी नहीं थी। तो यहाँ पे एक बंदा भागने की सोचता, तो मैं यहाँ पे उसे नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद यहाँ पे भाई मैं सोचता हूँ यहाँ पे एक बंदा और होता है, फाइल ले जाता है, तो इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे बंदे को भाई वो नॉक करता, तो मैंने फिनिश मार देता हूँ। जो बंदा वहाँ पे बग्गी पास था मैं उसे भी फिनिश मार देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं वहाँ पे मैं मर गया था, किसी कैंपर ने मुझे मार देता है वो। तो भाई यहाँ पे चार बंदों की पूरी स्क्वायर आ रही थी, एक बंदा जिसमें मैं उतार देता हूँ, ये बंदा यहाँ पे मैं फिनिश भी मार देता हूँ। जो एक गाड़ी होती है वो इस मकान पे आके रुकती है जहाँ मैंने लोकेशन लगा रखा है, और यहाँ पे मैं नेड भी करता हूँ, लेकिन भाई मेरा नेड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे अपना आई क्यू लगा के उड़ के जाने की, और मेरे प्लेयर भी कह रहे थे उड़ के जाने की। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने सीधे रस मार दिया, और यहाँ पे मेरे बंदे ने तो सीधे नॉक किया गया था उसको। तो यहाँ पे लेकिन दो बंदे थे, एक बंदा भाग के साइड से आ था, भाई यहाँ पे बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन दोनों के दोनों किल मेरे असिस्ट हो जाते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे मेरे बंदे के पास ही गए किल, मतलब कि मेरे साथ ही खेलता है वो। तो फिलहाल यहाँ पे देखो दो असिस्ट हो गए। तो यहाँ पे एक नूब आता है, तो भाई यहाँ पे पूरी की पूरी मेरी स्क्वायर आ जाती है उस नूब पे, उस नूब को भी नहीं छोड़ती भाई। देखो तो यहाँ पे वो नूब क्या आया भाई, ये भी नहीं मिला मुझे, ये भी असिस्ट हो जाता है मेरे से, मतलब कि ये भी असिस्ट हो गया दे सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे मैं मेरे पे फ्लेयर मिली थी, यहाँ पे एक बंदा मिलता है जो कि भाई अकेला होता है, मैं ऐसे यहीं पर फिनिश मार देता हूँ, बड़े प्यार से मारता हूँ। और यहाँ पर मैं फ्लेयर भी मंगा लेता हूँ, और फ्लेयर भाई जैसी आपको पता चलती है तो यहाँ पर बंदे तो ज़रूर आते हैं, देख सकते हो वहाँ पर दूर कितनी दूर से बंदा फायरिंग करा, और मेरे पे भाई रेड डॉट, मतलब कि रेड डॉट है। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ पहले भाई ड्रॉप लूट लिया जाए, उसके बाद भाई देखते हैं डब्लों वेब्लों मिले तो अच्छी बात है, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो बंदे भाई यहाँ पे पीछे की साइड आ जाते हैं जब तक हम ड्रॉप लूट करते हैं, भाई यहाँ पे एक बंदा आता है कूट फांद करके, भाई ये सही तो भाई बहुत मतलब कि बुरी तरह मारते हैं, बेचारा बंदा खुलने में था भाई। और एक बंदा और होता है उसका, तो वो पीछे की साइड पे होता है, और वो बंदा भाई पता नहीं कहाँ होता है, बहुत देर में जाके वो बंदा मिलता है, देख सकते हो अब भी बहुत ज़्यादा दूर है, और ये भाई 123 मतलब कि किलोमीटर दूर था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई क्या होता है, बस यहाँ पे हम मैंने 7 बंदे मार दिए और 13 बंदे जिंदा होते हैं। तो भाई यहाँ पे ये जो मकान होता है वहाँ पे उसके ऊपर मतलब कि जाने की सोचता हूँ, तो मैं उड़ के चला जाता हूँ। तो उड़ के जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे मैं यहाँ पे लैंड करता हूँ ना, यहाँ पे दो बंदे चल रहे हो, तो मैं अपने बंदों को भी बुला लेता हूँ जो कि अभी यहाँ पे आने वाले होते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने बहुत दोनों बंदों पे रस मारते हैं, हम सारे मिलते हैं जितने भी होते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, मेरे सामने ही बंदा होता है, भाई यहाँ पे मैं सीधे फायरिंग कर देता हूँ, मेरी एचपी भी ज़्यादा खा लेता है बंदा, पर इससे मैं फ्रीज मार देता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आगे की तरफ होता क्या है कि यहाँ पे मेरा जो प्लेयर होता है वो नॉक हो जाता है, और भाई हमें जोन भी आया था, हमें जोन में भी जाना था। तो फिलहाल इस मारे भाई क्या होता है, मैं उड़ने की सोचता हूँ और उड़ के सीधे जोन में जाता हूँ। यहाँ पे भाई एक बंदा गाड़ी से निकलने वाला होता है, तो मैं एम बना के यहाँ से सीधे उस पर मतलब पटका देता हूँ, लेकिन भाई वो भागने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे भाई AR चला देता हूँ, तो भाई वो जो कि वो मारा जाता है। बचा आखिरी बंदा, यहाँ पे तीन बंदे हमारे प्लेयर के जिंदा है, और एक बंदे की लोकेशन मुझे पता होती है वो कहाँ है, वो इधर की साइड होता है, नाक बनना होता है ये। तो भाई वो तो अच्छा है भाई, मेरे ऊपर भाई एक गोली लगी और तुम्हारे भाई ने चिकन डिनर निकाल लिया। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।